नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आईपीएल अब समाप्त हो चुका है, आईपीएल 2023, और अब समाप्त हो जाने के बाद इससे जुड़ी जो अपडेट है वो भी आ चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों, आईपीएल में अगर देखा जाए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो प्लस में रहे होंगे, माइनस में रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। पर यहाँ पर जो चर्चा अपनी होने वाली है वो होने वाली है उन प्रश्नों पर जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग समझ के चलिए दोस्तों कि इससे एक ना एक प्रश्न यदि आप लोग कोई भी परीक्षा देंगे तो आने वाला है। इस पर अपन चर्चा किस किस की करेंगे, जैसे कि पर्पल कैप अवार्ड किसे मिला, ऑरेंज कैप अवार्ड किसे मिला, ये अवार्ड मिलते किसके लिए हैं, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे। तो संपूर्ण प्रकार की जितनी भी बातें हैं इस पूरी क्लास में चलेंगी दोस्तों। तो हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके के जो अपडेट है वो हम अक्सर आप लोगों के लिए लेते हुए आते हैं। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहला ही है कि 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 16वां। कौन सा खेला गया है दोस्तों, 16वां खेला गया है। आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि इस समय पर काफी लोग आईपीएल में व्यस्त रहते हैं। आईपीएल की दीवानगी दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो पूरे विश्व में जितनी दीवानगी फुटबॉल के प्रति है, दूसरे नंबर पर ये आईपीएल ही आता है। तो आईपीएल आप ये भी मान के चल सकते हैं कि जिस प्रकार से सबसे महंगा यदि खेल कुछ है तो वो फुटबॉल है, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आईपीएल है। बीसीसीआई इसके माध्यम से बहुत पैसे कमाता है ना। कभी अपन इस पर अलग से चर्चा करेंगे, फिलहाल तो अभी अपने पास में आईपीएल से क्या क्या तथ्य निकल कर आते हैं उस पर अपन ने ये पूरी क्लास बनाई है। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कब खेला गया, 28 मई 2023 को, 29 मई 2023 को, 30 मई 2023 को, या 31 मई 2023 को। तो दोस्तों इसका दूसरा आंसर है कि 29 मई 2023 को। क्लियर। आईपीएल 2023 का आयोजन 31 मार्च से कब से हुआ था, 31 मार्च से 28 से 29 मई तक चला, 28 से 29 मई तक चला। ये 28 29 इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों कि 28 तारीख को फाइनल मैच था, चूंकि उस दिन बारिश हो जाती है और बारिश में भी काफी हंसी वाला एक बात थी दोस्तों, है ना। तो 28 को ना होकर फिर वो फाइनल मैच 29 तारीख को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आईपीएल 2023 में इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 टीमों के बीच 74 मैच खेले गए थे। क्लियर। 10 टीमों के बीच 74 मैच खेले गए थे। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। क्लियर। इसका सही जो आंसर है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इसके अलावा तीन ऑप्शन और थे, ईडन गार्डन कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इसी तरीके से आपके पेपर में आएंगे, आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद लगाना है। दोस्तों भारत का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, ये प्रश्न है आपके लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइनल मैच 29 मई 2023 को सीएसके वर्सेस जीटी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के मध्य खेला गया था। पहला मैच 31 मार्च 2023 को भी चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। तो दोनों तारीखों को आप लोग याद रखें, पहला मैच और फाइनल मैच। 28 को होना था लेकिन फिर 29 को हुआ। आगे चलते हैं। टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने। दूसरा वाला जो है यानी बी, वो चेन्नई सुपर किंग सीएसके ने, किसने जीता है, सीएसके ने। ये टीम को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सीएसके ने जीटी को यानी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा कर 5वीं बार यह खिताब जीता है, ये भी याद रखें। चेन्नई सुपर किंग कप्तान कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट भी है ना। आप लोगों का फेवरेट कौन रहा आईपीएल में, इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही, यानी रनर अप टीम कौन सी रही है दोस्तों, तो गुजरात टाइटंस रही है ना। अभी अपन ने पीछे चर्चा की कि किस किस के बीच फाइनल मैच हुआ था, तो सीएसके वर्सेस जीटी के बीच तो गुजरात टाइटंस इसमें एक तरीके से देखा जाए तो उप विजेता टीम रही। आईपीएल 2023 में विजेता टीम को कितनी इनाम राशि मिली है, तो दोस्तों याद रखिएगा 20 करोड़ रुपए, कितनी मिली हुई है, 20 करोड़ रुपए। क्लियर। टाटा आईपीएल चैंपियनशिप 2023 में 20 करोड़ रुपए मिले हैं सीएसके को, किसको, चेन्नई सुपर किंग को, जबकि जो उपविजेता रही हैं, रनर अप रही हैं, उन्हें 12.5 करोड़ रुपए जीटी मिले हैं। दोस्तों बीसीसीआई ने कितने कमाए होंगे,
उसकी उसका तो यदि देखा जाए तो 250 करोड़ से भी ज्यादा उसका एक तरीके से देखा जाए तो लेवल निकल गया है ना, बहुत पैसे कमाए दोस्तों, बहुत महंगा खेल है आईपीएल, समझना आप बात को। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? तो डेविड कॉनवे को, हार्दिक पांड्या को, रविंद्र जडेजा को या शिवम दुबे को? प्लेयर ऑफ द मैच तो किसको मिला है दोस्तों? डेविड कॉनवे को। किसको मिला है? डेविड कॉनवे को। तो फाइनल मैच के लिए कुछ अवार्ड को हम देख लेते हैं। ये अपने जो है डेविड कॉनवे हैं दोस्तों, तो याद रखिए इनकी शक्ल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो नाम जल्दी से याद हो जाता है। हम यदि किसी की शक्ल को देखते हैं ना दोस्तों और फिर उसके बारे में नाम को देखते हैं तो अपने आप वो नाम बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि चित्र मन को बहुत जल्दी याद होते हैं। चलिए, प्लेयर ऑफ द मैच डेविड कॉनवे सीएसके, इन्होंने 47 रन बनाए हैं 25 बॉल पर, क्लियर है? इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। एक्टिव कैच ऑफ द मैच ये किसको मिला हुआ है? महेंद्र सिंह धोनी अपने जो सीएसके के हैं। गेम चेंजर ऑफ द मैच ये मिला है बी साई सुदर्शन को, जो कि जीटी के हैं यानी गुजरात टाइटंस के हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच ये भी बी साई सुदर्शन है, तो दो इनके खाते में दो उपलब्धियां गई हुई हैं बी साई सुदर्शन के, क्लियर है? एक तो गेम चेंजर ऑफ द मैच भी है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच भी है। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच ये कौन है? अजिंक्य रहाणे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा जब भी पेपर होगा तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी, ठीक है? अजिंक्य रहाणे, ये भी सीएसके के हैं। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? दोस्तों पर्पल कैप अवार्ड जो है, पर्पल कैप ये किससे संबंधित होता है? तो पर्पल कैप अवार्ड जो होता है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनके खाते में आता है। तो यजुवेंद्र चहल, रशीद खान, मोहम्मद शमी या मोहित शर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शमी, जीटी। 28 विकेट इन्होंने लिए थे दोस्तों 17 मैचों में। कितने लिए थे? 28 विकेट 17 मैचों में, ठीक है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला है? तो ये किसको मिला है दोस्तों? ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है ये किसको मिलता है जो सर्वाधिक रन को बनाते हैं? तो शुभमन गिल को। किसको मिला है? शुभमन गिल को, याद रखिएगा पहला इसका आंसर है ना। शुभमन गिल जो कि जीटी से हैं यानी गुजरात टाइटन से हैं, इन्होंने 890 रन बनाए हैं, 17 मैच खेले हैं, 3 शतक लगाए हैं और 4 अर्धशतक लगाए हैं। तो 4, 3, 17 और 890 सर्वाधिक रन बनाए हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस नाम को, क्लियर? आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो शुभमन गिल को, फॉफ डू प्लेसिस को, विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को? तो किसको मिला है दोस्तों? शुभमन गिल को। किसको मिला है? शुभमन गिल को, क्लियर है? चलिए, आईपीएल 2023 में पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया है? ये दोस्तों किसको दिया जाता है? फेयर प्ले अवार्ड, ये पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड ये उसको दिया जाता है जिनकी खेल भावनाएं पूरे, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे आईपीएल के दौरान जो सबसे सही रही हैं उन्हीं को ये मिलता है। तो ये किसको मिला था दोस्तों? गुजरात टाइटंस को या राजस्थान रॉयल्स को, दिल्ली कैपिटल्स को या चेन्नई सुपर किंग को? तो ये दोस्तों दिल्ली कैपिटल को मिला हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आता है कि पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? तो ये तो आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि किसने लगाए हैं, तो फॉफ डू प्लेसिस ने। किसने लगाए हैं? फॉफ डू प्लेसिस। अब देखिए, फॉफ डू प्लेसिस आरसीबी से हैं, इन्होंने टोटल 366 रन बनाए। सर्वाधिक चौके यदि देखे जाए तो शुभम गिल ने इन्होंने 85 चौके लगाए हैं, क्लियर है? आईपीएल 2023 के सबसे लंबे छक्के की बात करें तो फॉफ डू प्लेसिस ने लगाए हैं, जो सबसे लंबा छक्का है कितना था? 115 मीटर। कितना था दोस्तों? 115 मीटर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है? इन्होंने 36 छक्के लगाए दोस्तों, ये नहीं है 36, टोटल 36 छक्के, ठीक है? फॉफ डू प्लेसिस। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? 2023 की बात चल रही है दोस्तों, है ना? तो देखिए, शुभमन गिल ने कितने 3 शतक लगाए हैं? शुभमन गिल ने 3 शतक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। किसने लगाए हैं? माफ करिए, ये वाला नहीं, इसका ये आंसर होगा शुभमन गिल, पहला वाला, ठीक है? गलती से दूसरा लग गया है दोस्तों, शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस के हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है इसीलिए आप लोग गलती मत करना। शुभमन गिल 3 शतक, विराट कोहली जो आरसीबी के थे इन्होंने 2 शतक लगाए हैं, हैरी ब्रॉक जो एचआरएस के थे आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इसको भी आप लोग याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है कि हैरी ब्रोक आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, क्लियर है? वेंकटेश्वर अय्यर जो कि केकेआर से हैं, इन्होंने आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय बने, ये पहले भारतीय। तो ये तीनों बातें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं,
क्लियर है। शुभमन गिल सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर विराट कोहली, सबसे पहले तो हैरी ब्रॉक, भारतीयों में सबसे पहले तो वेंकटेश्वर अय्यर। क्लियर, आगे चलते हैं। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने। तो ये दूसरे नंबर पे हैं, यशस्वी जायसवाल, तो इनको याद रखें आप, आरआर से संबंधित हैं। सबसे तेज 50 रन यशस्वी जायसवाल ने कितने 13 गेंदों में बना लिए थे, ये इनकी फोटो है दोस्तों, यहां से आप इनको देख सकते हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक क्रिस गेल ने 30 गेंदों में 2013 में बनाए हैं। यदि सबसे तेज शतक की हम बात करें तो किसने बनाया है, क्रिस गेल ने बनाया हुआ है 30 गेंदों में। भाई साहब 2013 की बात थी ये, तो मैच मैंने खुद भी देखा था, 30 गेंदों में सबसे ज्यादा तेज शतक। और सर्वाधिक व्यक्तिगत जो स्कोर है क्रिस गेल का वो यही है, 175 रन, ये 66 गेंदों में बनाए थे दोस्तों 2013 में, ये वही वाला मैच था। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 में एक मैच में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? यदि हम एक मैच की बात करते हैं सर्वाधिक रन की, तो किसने बनाए हैं, शुभम गिल ने बनाए हुए हैं, ये भी गुजरात टाइटन से ही संबंधित हैं, अभी अभी अपन लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, शुभमन गिल जीटी। क्लियर है, इन्होंने 129 रन 60 बॉलों पर बनाए हैं। ये मैच आप लोग बताइएगा यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो ये कौन सा मैच था और किसके साथ में था। ठीक है, 129 रन 60 बॉलों पर। आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके? तो विराट कोहली, केएल राय, राहुल, सैम करन, हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पूरे आईपीएल में चल रहा है और सभी खिलाड़ियों में चल रहा है, तो कौन है, सैम करन, ये तीसरे नंबर पे जो है सैम करन, यही सबसे ज्यादा बिके हैं सबसे ज्यादा। तो सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। सैम करन आईपीएल इतिहास के अब तक के, याद रखिएगा, अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्योंकि हर बार अगर देखा जाए तो जो खरीदने की मांग होती है वो हमेशा बढ़ जाती है, तो ये अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अब दूसरे प्रश्न पर गौर करिएगा दोस्तों, इसी के जैसा है पर अलग है। आईपीएल 2023 में बिकने वाले सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी, अब शब्द क्या लग गया दोस्तों, भारतीय, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो मयंक अग्रवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन या हार्दिक पांड्या। तो कौन है दोस्तों, मयंक अग्रवाल, कौन है, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को सनराइज हैदराबाद ने 8.25 करोड़ में खरीदा, या हम कह सकते हैं 8.25 करोड़ में इनको खरीद लिया। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर शीर्षक प्रायोजक कौन है? ड्रीम इलेवन, वीवो, टाटा, रुपया। तो बताइए क्या है, तो इसका है टाटा, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है, तीसरे वाला जो है यही इसका आंसर है, बाकी और सभी भी इसके साथ में थे। अब किस तरीके से थे तो यहाँ नीचे समझिए, ऑफिशियल पार्टनर्स, आधिकारिक भागीदार कौन कौन थे? तो देखिए, ड्रीम इलेवन है, रुपया है, क्रेड है, अप स्टॉक्स है, हर्बल लाइफ है, ये सब इनके एक तरीके से आधिकारिक भागीदारी थे। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन रहा, आधिकारिक प्रसारणकर्ता कौन रहा, तो स्टार स्पोर्ट्स, आप जब भी देखते होंगे तो स्टार स्पोर्ट्स कोई तो लगाते होंगे, शाम के समय तो भाई हर कहीं इस समय स्टार स्पोर्ट्स ही चल रहा था, और वैसे भी जियो ने स्ट्रीमिंग इसकी फ्री कर रखी थी, है ना। ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन है, तो भैया जियो सिनेमा, अब याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, एम्पायर पार्टनर कौन रहा, तो पेटीएम रहे। ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप पार्टनर कौन था, तो अरामैको, कौन था, अरामैको। क्लियर है, आगे चलते हैं। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, शुभमन गिल, जॉस बटलर, डेविड वार्नर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आईपीएल के एक सीजन में यदि देखा जाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ऑल ओवर, तो विराट कोहली जी हैं 973 रन, और दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं 890 रन, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो दोस्तों ये बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, स्मार्ट बॉय विराट कोहली अपने, तो विराट कोहली, केएल राहुल, डेविड वार्नर, क्रिस गेल। तो विराट कोहली 7,263 रन इन्होंने टोटल बनाए हैं, और 237 मैच इन्होंने टोटल खेले हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो यजुर्वेद चाहल, पीयूष चावला, अमित मिश्रा, इनमें से कौन, कोई नहीं। तो ये आप लोग देख रहे हैं यजुर्वेद चाहल, कौन है, यजुर्वेद चाहल, इन्होंने 187 विकेट लिए हुए हैं 145 मैचों में, कितने, 145 मैचों में। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? अब सबसे ज्यादा शतक की बात हो जाए, पूरे आईपीएल के इतिहास की बात चल रही है, अभी जो अपन देख रहे थे वो आईपीएल 2023 की बात चल रही थी, अब आईपीएल पूरे इतिहास की बात चल रही है, जो 16 संस्करण हो चुके हैं ना दोस्तों, उन पूरे की बातें चल रही है। ठीक है, तो विराट कोहली, क्रिस गेल, डेविड वार्नर, शिखर धवन, प्रश्न क्या था,
प्रश्न था आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो भाई साहब विराट कोहली हैं, उन्होंने 7 शतक लगाए हुए हैं। कितने लगाए हुए हैं? 7 शतक लगाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर हमारे क्रिस गेल आ जाते हैं, 6 शतक लगाए हुए हैं। क्रिस गेल भी बहुत गजब के खिलाड़ी हैं, है ना। जब अगर ये बैटिंग पे उतर आते हैं तो रटते नहीं है, बिल्कुल लगे छक्के लगे छक्के। सर्वाधिक अर्धशतक जो है वो डेविड वार्नर ने किए हैं, कितने? 61। सर्वाधिक अर्धशतक 61 डेविड वार्नर के। ठीक है, आगे चलते हैं। 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण किस टीम ने जीता था? मतलब पिछली बार 2022 में कौन जीता था, सभी लोगों को पता होगा। गुजरात टाइटंस। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। क्लियर है, तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो गुजरात टाइटंस है। 2023 तक सबसे ज्यादा बार आईपीएल किस टीम ने जीता है? 2023 तक सबसे ज्यादा, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों, या चेन्नई सुपर किंग्स ने, राजस्थान रॉयल्स ने, या ए एवं बी दोनों ने? तो दोस्तों ए और बी दोनों ने, यानी कि पहला और दूसरा दोनों इसके आंसर है। दोनों 5-5 नंबर पे आ गए हैं, दोनों ने 5-5 बार जीता हुआ है। किसने? मुंबई इंडियंस ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो मुंबई इंडियन ने 2013 जीता, 15 जीता, 17 जीता, 19 जीता, 20 जीता। चेन्नई सुपर किंग 2010 जीती, 2011 जीती, 18 जीती, 21 जीती और 23 जीती। तो दोनों 5-5 पे आ गए हैं, याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स 2008 जीती, डेक्कन चार्जर्स 2009 जीती, कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार जीती है, 2012 और 14। सनराइजर हैदराबाद 2016 जीती है, और गुजरात टाइटंस की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो ये 2022 यानी पिछली बार ही जीती थी। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। 2008 में आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता था? दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग या राजस्थान रॉयल? तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर, मतलब पहली बार में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अब एक बात को याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सबसे सरल क्वेश्चन भी है और बार बार यही क्वेश्चन आता है कि पहली बार किसने जीता था। क्लियर, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। आईपीएल का आयोजन कौन कराता है? तो आईसीसी, बीसीसीआई, एसीआई या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा आंसर है दोस्तों बीसीसीआई। अब बीसीसीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। क्लियर, मुख्यालय इनका मुंबई में है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। क्लियर, और सचिव की चर्चा कर ली जाए तो जय शाह, इनसे भी प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ब्रजेश पटेल, सौरभ गांगुली, अरुण धूमल? बताइए, तो कौन है दोस्तों? अरुण धूमल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया प्रेसिडेंट लैंग्वेज, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडिया प्राइज लिस्ट या नन? तो दोस्तों इसको तो कोई भी नहीं भूल सकता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के जो अपने पूरे क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आईपीएल 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या जो भी आने वाले हैं, लगभग मैं पूरे के पूरे इस क्लास में कवर हो चुके हैं। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस बिंदी पर क्लिक करेंगे, नीचे से लिंक खुलाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और जैसे ही यह क्लास खत्म होती है, यानी कि जैसे ही अपलोड हो जाती है, उसके बाद में हम इसको भी एक तरीके से देखा जाए तो टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके कभी भी उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त करते हैं। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।